पूरा देश विश्व आदिवासी दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है। जगह जगह पर रैली, जुलूस और सभाएं निकाली जा रही है, लेकिन इसकी असली तस्वीर तो ये है कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासी समाज के लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। झारखंड अलग राज्य बने 21 साल बाद भी आदिम जनजाति पहाड़िया समाज के विलुप्त होने के कगार पर है। ना तो उनकी कोई माली हालत में कोई बदलाव आया है, ना ही उनके दिनचर्या में कोई सुधार आया है। बता दें कि पाकुड़ जिले में आदिम जनजाति पहाड़िया की आबादी लगभग 42,000 है, लेकिन आज भी इस इलाके में पहाड़िया लोग रोजगार, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। में परेशान है, मकई लगाए हैं, गंगरा ये सब लगाए, बोलते हैं गंगरा सब लगने लिए पानी नहीं है, इसलिए वही दिक्कत है, इसलिए हम लोग काम करने बाहर गए हैं। क्या गांव में काम नहीं मिलता है मनरेगा के तहत? गांव में काम नहीं मिलता है। कहाँ गए थे काम करने के लिए? काम करने हम लोग ये घुआ। कितना दिन काम किए? 2 महीना। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करके गए थे क्या सरकार को, जो आदेश है? नहीं, हम लोग को बस ये चावल मिला है, बिजली मिला है, लेकिन बिजली भी हमेशा नहीं रहता है। आज दिन को 2-3 घंटा रहता है तो रात को रात भर नहीं रहता है, तो उसमें भी हम लोग को तकलीफ है और रोड में भी हम लोग को तकलीफ है, और जाके यहाँ पे हम लोग को पानी का भी तकलीफ पूरा है। जैसे हम मेरा घर तो देखिए ये बात से किया हुआ, ये मेरा घर, एक साइड में गाय है, एक साइड में हम रह रहे हैं। हम लोग, हमको घर नहीं मिला है, मेरा बाबू जी का भी नहीं मिला है और हम लोग को भी नहीं मिला है, यही समस्या। और हम लोग को गांव में स्कूल नहीं है तो बच्चा ऐसे पढ़ा, देखिए ये सब तो पढ़ने वाला बच्चा सब ऐसे ही है। हमारे ज़िले में जितने आदिम जनजाति और पहाड़िया जाति के लोग निवासित करते हैं, ज़्यादातर लिट्टीपारा और अमरापारा प्रखंड में, ज़िला प्रशासन उनके चौमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है, गंभीर है और उनके हर दिशा में तरक्की के लिए ज़िला प्रशासन पूरे रूप से काम कर रही है। खासतौर से जो समस्याएँ आती हैं उनको आवास का और खाद्यान्न का और पेयजल का, खाद्यान्न की समस्या में कुछ हम लोगों को शिकायतें प्राप्त होती हैं कभी कभी, उसको दूर करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से